कोई अब तक न हुआ उन जैसा, कोई होगा भी नहीं उन जैसा, कोई अब तक न हुआ उन जैसा, कोई होगा भी नहीं उस कमल पोश के मैं कुर्बान, उस कमल पोश के मैं कुर्बान, सीरत भी हसीन सूरत भी हसीन, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। खुद का अनम्यूट करके सुभान अल्लाह साथ पढ़ सकते हैं जी। जी बेशक। उसके एक बोल का मोल नहीं, हर उसके एक बोल का मोल नहीं, याकूत तो ज़मुर्रद तो लोगों, मैं उसके एक तबसुम पर, मैं उसके एक तबसुम पर कुर्बान करूं फिरदौसे बरी, सुभान सुबहानल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुबहानल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या आप सब अनम्यूट कर लीजिएगा। अंदाजा कर लो क्या उनका मकामो मरतबा है, इस बात से अंदाजा कर लो, इस बात से अंदाजा कर लो, आगाज है उनकी मंजिल का, आगाज है उनकी मंजिल का, रुक जाए जहां जिब्रील अमी, सुबहानल्ला अल्लाह का गजब रहमत में बदल जाएगा, अचानक रोजे जजा, अल्लाह का गजब रहमत में बदल जाएगा, अचानक रोजे जजा, अल्लाह के कदमों पे रख देंगे मेरे आका जी जब अपनी जबी, सुबहानल्ला
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान سبحان الله سبحان الله یہ میرا قلم یہ میری زبان اوصاف کرے کیا ان کے بیان یہ میرا قلم یہ میری زبان اوصاف کرے کیا ان کے بیان صدیقہ نے سچ فرمایا ہے صدیقہ نے سچ فرمایا ہے خلق اس کا ہے قرآن مبین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اعلیٰ جی بہت اعلیٰ ماشاء اللہ جی तो और भी कुछ फरमाइशें आई हैं काफी सारी। तो पहली फरमाइश हम अपनी बहनों की जानिब से आपके सामने रखते हैं। सोजे दिल चाहिए चश्मे नम चाहिए। नहीं मेरे जहन में नहीं ये कलाम। अच्छा, लिखा हुआ कहीं हो तो मैं पढ़ सकता हूँ। अच्छा, अच्छा, याद जी। अच्छा ये एक और साथी की तरफ से आया कि शहरे मदीना याद आया है वो भी इतनी रात गए। अच्छा जी मैं वैसे सुना देता हूँ लेकिन आम तौर पे इसका सही वक्त तो रात को पढ़ने का होता है ईशा के बाद या रात 12 बजे के बाद। लेकिन बहरहाल ज़ोर की ताज़गी के लिए एक दो शेर मैं पेश कर देता हूँ इसके। शहरे मदीना याद आया है शहरे मदीना याद आया है वो भी इतनी रात गए इश्क़े नबी में दिल तड़पा है इश्क़े नबी में दिल तड़पा है वो भी इतनी रात गए इश्क नबी ने ली अंगड़ाई दर्द महाबत जाग उठा मेरे लब पे है तैबा मेरे लब पे है तैबा वो भी इतनी रात गए मेरे लब पे है तैबा वो भी इतनी रात गए लब पर जिक्र नबी है जारी और लिका का शौक भी है एक दीवाना जाग रहा है एक दीवाना जाग रहा है वो भी इतनी रात गए।
इश्क नबी में दिल तड़पा। हजरत, अगर हम ये कहें कि आप की जो सबसे ज्यादा पसंदीदा नात है वो हमें आज सुना दें आप। नाते तो माशाल्लाह सारी पसंदीदा, लेकिन आजकल जो बाज ऐसे होते हैं कलाम हालात की मुनासिबत से जो बंदे के दिल में और दिमाग में हर वक्त घूमते रहते हैं, तो जब ये कोरोना आया था और उसके बाद गुम्बद खजरा और बैतुल्ला दोनों जगह पे पाबंदी लगी लोगों के जाने पर, तो एक कलाम बहुत ज्यादा मैंने गुनगुनाया भी और जहां मौका मिला वो पढ़ा भी। उसके एक दो शेर शायद मुझे जुबानी याद है, मैं वो पेश करता हूँ। तो और दूसरी बात ये इस मुनासिबत से भी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग थे जिनकी हज की तैयारी थी और कई सालों से वो यानी ज़ादे राह इकट्ठा कर रहे थे, उनका नाम भी निकल आया कुर। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूँ, चंद एक मेरे साथियों में से भी हैं, करीबी दोस्तों में से, तो उनका कुर अंदाजी में नाम भी निकल आया और तैयारी भी उन्होंने पूरी कर ली सारा रमज़ान इसी तमन्नाओं में, हत्ता कि वो अपने आप को ख्वाबों के अंदर बैतुल्ला में और कभी मदीना तो मुनव्वरा में देखने भी लगे। लेकिन फिर जब अल्लाह ताला का हुक्म नहीं था इस साल, जो उनकी कैफियत है वो भी इसके अंदर शामिल होंगी। तो एक दो शेर, ए मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते अल्लाहु हैं, ए मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं, तेरे ओ शाक तेरे दीवाने जाने जाना सलाम कहते हैं, ए मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं, तेरी फुरकत में बेकरार है जो, तेरी फुरकत में बेकरार है जो, हिजरे तैबा में दिल फिगार है जो, वो तलबगारे दीद रो रो कर, वो तलबगारे दीद रो रो कर, ए मेरी जान सलाम कहते हैं, ए मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं, तेरी जान तेरे रोजे की जालियों के करीब, तेरे रोजे की जालियों के करीब, सारी दुनिया से मेरे सरवरे दी कितने खुशबख्त रोज आकर, तेरे मेहमान सलाम कहते हैं, ए मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं, दूर दुनिया के रंग
दूर दुनिया के रंजो गम कर दो, सबके सीने में अपना गम भर दो, सबको चश्माने तर आता कर दो, सबको चश्माने तर आता कर दो, जो मुसलमान सलाम कहते हैं, ए मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं, तेरे उशाक तेरे दीवाने जाने जाना सलाम कहते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह। आरफी साहब, हज़रत शेख हमेशा आपके का तस्करा बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से करते हैं, और अभी भी बेशुमार और